इसे यहाँ लाने का आइडिया किसका था? ये क्या सवाल हुआ? अरे यार, तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारी लाइफ में फिर से एंट्री मारने की सोची थी। लेकिन ये पत्थर दिल कभी नहीं पिघलेगा। ए, ओ, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें टच कर लिया। चलो यहाँ बैठो। छोड़ो। बैठो। अरे क्या तुम लोग पहली बार रोमांटिक सीन देख रहे हो? शर्माओ मत, अपने दोस्त से पता लगाओ कि ये इतनी सुंदर लड़की को भाव क्यों नहीं दे रहा, वरना तुम्हारे सीनियर्स को नाइट एडवेंचर्स का सीक्रेट बता दूंगी। समझ गए? ओके बेन। नहीं भाई, ढोकला ठंडा हो रहा है। हे, क्या ये हमारी नेवर एंडिंग स्टोरी बनेगी? अपना फैसला बदलोगी नहीं? पहले तुम बताओ मुझे फॉलो करना कब छोड़ोगी, अपना डिसीजन कब बदलोगी? ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा भाई। तो छुपा रुस्तम निकला। काहे का छुपा रुस्तम यार, ये अगर आके गले नहीं पड़ती तो भाई कुछ नहीं करते। क्या? अरे भाई महंगी हुई तो क्या हुआ? रहने दो, मैं उठाती हूँ। वहाँ देखो भाई, चेन लटक रही है। दवाई नहीं लोगी तो कैसे ठीक होगी? अब दवा लेके क्या फायदा, उम्र तो हो चुकी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, एक बार बच्चों की शादी हो जाए तो गाँव चले जाएंगे। चल रे, चल चल। अरे एम्बुलेंस बोलो रे। क्या करें मंजित, क्या हुआ? आराम से, आराम से। मुझे बचा लो, कोई बचा लो। नेक्स्ट सिग्नल के राइट में एक हॉस्पिटल है, जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ। ये देख, ये तो वही पेपर है जिसमें हथियार था। ओह नो, याकूब का फोन है, वो कमीना उसके हाथ से निकल गया। याकूब लिसन टू मी, उन लोगों में से किसी एक के ऊपर मैंने मोबाइल फेंक कर मारा था, लगता है उसके टी शर्ट के हुड में अटक गया है। अपने मोबाइल से माय फ्रेंड एप्लीकेशन ऑन करो और मेरा नंबर ऐड करके जीपीएस ट्रैकर से फॉलो करो। सिग्नल मिल गया, बस उसका पीछा करो, इन्फॉर्मेशन देते रहो। वो आगे के सिग्नल से राइट गया, स्पीड बढ़ाओ ना पाजी। ए, पीछे घूम। क्या हुआ रे? साला इधर से बच रहा है। ये किसका फोन मारा रे? अरे मैंने फोन नहीं मारा, किसी ने मेरे सर पे फोन फेंक के मारा था। लगता है महिमा चौधरी का फोन है। बंद कर दे रे इसको। अरे रे, सिग्नल कट गया यार। थक तेरे। फेमस बिरयानी सेंटर के पास उनका सिग्नल कट हो गया। ठीक है, आगे के जंक्शन पे मिलते हैं। ओके फाइन। गाइस, हमने चारों डायरेक्शन चेक कर लिए हैं। इसका मतलब है कि वो अभी भी मेन स्ट्रीट और शास्त्री मार्ग के बीच में कहीं होंगे। वहाँ तकरीबन 10 से 12 गलियां हैं। लेट्स गेट देम। ओके, ठीक है। ये पाजी, ये पोस्टर देख। फंस गए साले। मित्रन, एक सेम पोस्टर देख। कुत्ते के पुत्र यहीं कहीं होंगे। अरे माल आ गया क्या? पैसे तो तू एडवांस में लेता है, माल क्यों नहीं भेजता है टाइम पर? यहाँ बाहर के रूम में दो लोग हैं, मैंने तो लगता है कि अंदर और भी लोग होंगे। अरे तो पहले भी लड़ाई थी, सिग्नल से राइट मार। एक और वो पांडव लोग आए ले। What the hell? Bob.
ऑर्डर दो। यहाँ कैसे आया? पुलिस वाला है क्या? यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा तो। अजीत! साला कमीना! तुझ जैसों की वजह से आम आदमी महफूज नहीं है। Superb guys. Well done boys. दुनिया आपको एक अच्छा इंसान समझती है सर। सर प्लीज सर, हमारे देश में अगर इस मेडिसिन की खोज हुई तो पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री इंडिया के सामने सर झुकाएगी। इंडिया के सामने सर नहीं झुकाएगी, सिर्फ एक इंडियन के सामने सर झुकाएगी, और वो मैं हूँ। आप ये गलत कर रहे हैं सर। जब दिलो दिमाग में जुनून हो तो कुछ गलत नहीं लगता। मीनाक्षी के रहते आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ मीनाक्षी, मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखोगी तो बहुत ऐश करोगी, वरना ऐश बन जाओगी। सर ये गलत है सर, अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं आपकी घिनौनी हरकत दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। इस इलाके में आज तक जितने भी क्राइम हुए हैं सारे के सारे मैंने किए हैं। आज भी एक चेन खींचने की कोशिश में हमारे हाथों एक आदमी का खून हो गया। खुले आम लूटपाट करते हैं, खून खराब करते हैं, नहीं लगता है। फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। वो औरत कैसी है? हस्बैंड की मौत से सदमे में है, डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां दी हैं। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हेलो, कथा कहीं का मित्रन, याकूब के खास दोस्त का घर है ये, आ जाओ। आओ ना, ये मेरे सबसे अजीज दोस्त का घर है। ए भाई, पहले दाया बाद में बाया। अरे मेरे गुज्जू भाई, दिमाग पे जोर मत डाल, वो दाया पैर ही है। आजा, आजा, आजा। मैं तो फिर के ले रहा था। आ जाओ। मेरे दोस्त की दादी है। तो इधर ही रुक, मैं आती है। फसली रे फसली, बुढ़िया तेरे प्यार में फंस गई। बहुत लकी है रे तू तो। नॉट गुड लक। तुम लोगों ने उस बुढ़िया के साथ मिलकर जरूर कोई प्लान बनाया है, अभी बताता हूँ। कहाँ गई वो? मित्र इधर जा रहा है। भाई जान, मेरी बात तो सुनो यार। क्या रे, अपने दोस्त को मेरे नाम की सुपारी दे रखी है क्या? इतना क्यों चौंक रहे हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जब भी इस पर गुस्सा आता है ना तो सीधा चाकू निकाल कर इसे फिर से मार देती हूँ। अगर मैंने इस डमी पर गुस्सा नहीं उतारा ना तो मेरे हाथों तो रियल वाला मर जाएगा। चलो चलो निकले यहाँ से, ये मेरा प्राइवेट एरिया है। तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? वो पुतले में इतना चाकू घुसा रही है तो तुझ में कितना घुसाएगी? दोस्तों, मैं आज तक इसे भुला नहीं पाई हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की इसे पाने की, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ये मुझसे प्यार करेगा। खैर छोड़ो, ये अच्छी बात है कि तुम लोग रात को निकल कर लोगों की मदद करने जाते हो, लेकिन ये रात को अकेले जाकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालता है? अकेले जाता था? क्या कहा, अकेले? अरे हम तो सुसु करने भी साथ में जाते हैं। मजाक कर रहे हो, न जाने कितनी बार ये अकेले बाहर गया है। है क्या कोई जवाब इसके पास? ए, क्या ये सच है? तू हमें बिना बताए कहाँ जाता है? देखो, तुम लोग मेरे दोस्त हो लेकिन मेरी कोई पर्सनल लाइफ भी है जिसे मैं तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। होम मिनिस्टर ने अचानक ही इस नए ब्लॉक के निरीक्षण करने का फैसला किया। सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट कर दिए सर। ट्रूप्स, सलामी चालू करेंगे। चालू कर। क्या हुआ, क्यों बुलाया? मजाक कर रहे हो? ए, चार दिन पहले ही उस आदमी ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। हमने अपनी जान पर खेलकर उसे पुलिस के हवाले किया और आज वो होम मिनिस्टर के साथ हमारे ही कैंपस में घूम रहा है। सल्यूट रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं लेकिन आज उसके खौफ से सल्यूट से ही अपना मुंह छुपाना पड़ा। छह, गुस्सा तो और बढ़ गया जब हमने देखा कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सच सच बताओ मित्रन, तुम कुछ पा रहे हो? हाँ बोलो महिमा। मुझे जाना होगा, साथ चल रहे हो? ए, ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? तुम जब तक सफाई नहीं दोगे हम जाने नहीं देंगे, और ना ही हम लोग जाएंगे। हाँ भाई, खुदा कसम नहीं हिलेंगे,
चेन स्नैचिंग में जिस रमन की मौत हुई उसकी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। आंटी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने उन गुंडों को पकड़ा था। आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस ने मेरी गवाही नहीं ली। उन्होंने कहा कि आप यकीन से कैसे कह सकते हैं, उसने तो हेलमेट पहना हुआ था। आज सुबह जब वो कातिल जेल से आजाद हुआ तो मेरे मुंह पर हंसकर चला गया, कहने लगा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा लगा कि मेरे मुंह पर तमाचा मारा हो। इतना सब होने के बाद अब तो ना मैं जी पाऊंगी ना ही मर पाऊंगी। कैसा कानून है, 40 साल लग जाते हैं एक ओपन एंड शट केस का फैसला होने में, लेकिन झूठे विटनेस से सच्चाई की आवाज दबाकर गुनहगार 4 दिन में निकल जाते हैं। यकीन नहीं होता कि ये ट्रेनिंग लेकर मैं ऐसे खोखले कानून की हिफाजत करूंगा। तुमने तो जुबान ना खोलने की कसम खाई है, रात को अकेले कहां जाते हो ये भी राज रखोगे। और ये महिमा, ये तो तुम्हारे सबसे करीब है, पर तुम इससे भी खफा हो? हम सबको पराया समझ रखा है, कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनिए, मेरी प्रॉब्लम जानोगे? रमन की वाइफ को देखकर बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें, पर क्या तुम ये जानते हो कि हर पल में ऐसे कितने हादसे होते हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। वहां देखो, पिछले 5 मिनट में उस एम्बुलेंस का ड्राइवर 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को क्रॉस करते हुए जूझ रहे पेशेंट को इस प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया, सिर्फ इसलिए कि उसे थोड़ा कमीशन मिल जाए। ये है मेरी प्रॉब्लम। तुम्हारा पकड़ा हुआ मुजरिम जेल से बाहर क्या आ गया, तुम सबका खून खौलने लगा? पर सच तो यह है कि क्रिमिनल से ही सिस्टम बनता है और सिस्टम से ही क्रिमिनल। पांडुरंगा, मतलब अपनी सारी कोशिश बेकार हो गई? मेरे रहते कोई कोशिश बेकार नहीं जाएगी। पिछले 10 सालों से यही मेरा आशियाना है, मेरी लाइफ है, और मैंने इसमें किसी को एंट्री नहीं दी। एक इंसान की पहचान उसके दुश्मनों से होती है। ये क्या है, कहावत तो यह है कि इंसान की पहचान दोस्तों से होती है। ये सही है, इंसान की पहचान उसके दोस्तों के कैरेक्टर से होती है, लेकिन खुद की किस्मत को परखना हो तो दुश्मन की ताकत को आंकना चाहिए। 4 दिन पहले हमारा दुश्मन मुरली था, इस रमन का कातिल, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट था। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई एक चेन के लिए किसी का मर्डर कर सकता है, और इसीलिए वजह जानने के लिए मैंने मुरली की कुंडली निकाली, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे पता चला कि मुरली पेरुमल स्वामी के लिए काम करता है। हम क्रिमिनल्स को जेल में डालते हैं और ये बेल पर छुड़वा देते हैं। रमन ने बहुत अच्छे काम किए थे और इसीलिए उसकी मौत भी हुई, पर दुनिया तो यही जानती है कि उसकी मौत एक चेन स्नैचिंग की वजह से हुई। लेकिन जब मैंने मुरली को होम मिनिस्टर के साथ देखा तो काफी बातें अपने आप समझ आने लगी। पेरुमल और होम मिनिस्टर ने मिलकर गवर्नमेंट की 100 एकड़ की जमीन हथिया ली थी, वहाँ एयरपोर्ट बनने वाला था, इसीलिए वो हाउसिंग सोसाइटी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। लाखों गरीब जनता बेघर हो जाती, इसीलिए रमन ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की धमकी दी थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि पेरुमल ने उसे जान से मरवा दिया। अब तुम ही बताओ, हमारा असली दुश्मन ये है या ये? तुम्हारा मतलब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। यहाँ देखो, हमने अब तक जितने भी क्राइम केसेस हैंडल किए हैं उसी तरह के और भी कई क्राइम केसेस हैं जिसकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। हमेशा बड़े बड़े क्राइम्स को छुपाने के लिए दुनिया के सामने छोटे छोटे क्राइम्स को लाया जाता है। ये देखो, वो 4 किडनैप लड़कियां याद है जिन्हें हमने छुड़वाया था? उसकी वजह फिरौती नहीं, कुछ और थी। कुछ दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के चाइल्ड वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से 18 बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई, ये न्यूज तो याद होगी तुम्हें? उसकी वजह भी कुछ और थी। सिद्धार्थ उन बीमार बच्चों पर इल्लीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जब हम उन बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे थे तो उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सब बच्चे एक एक करके मर गए। मैंने जाकर मैनेजमेंट को बता दिया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हादसा था, उन्हें हॉस्पिटल की बदनामी होने का डर था। मुझे डरा धमका कर उन्होंने चुप करा दिया। सच ये है कि वहाँ के डॉक्टर्स उन बच्चों पर नई मेडिसिन की टेस्टिंग कर रहे थे जिससे उन बच्चों की मौत हो गई। वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स एक फॉरेन मेडिसिन कंपनी और हेल्थ मिनिस्टर की कोलैबोरेशन में कर रहे थे, जिसकी वजह से 18 बच्चे सूली पर चढ़ गए। एक ईमानदार मेडिकल ऑफिसर मिस्टर रघुनाथ
इस बात को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया। ये एक आम किडनैपिंग का केस लगे, इसलिए उसने तीन और लड़कियों की किडनैपिंग की, और इसके पीछे हाथ था मेडिकल हेड अशोक पांडियन का। हम जिन छोटे मोटे क्राइम्स को मामूली क्राइम्स समझने की भूल करते हैं, वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट होता है। मित्रन, तुम्हारा मतलब है हर छोटे क्राइम या क्रिमिनल के पीछे हमेशा एक बड़े क्रिमिनल का हाथ होता है? मैं ये नहीं कहता कि हर छोटे क्राइम के पीछे बड़े क्रिमिनल का हाथ है, लेकिन हर बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए छोटे क्राइम्स का सहारा लिया जाता है। और मंजीत, ये सारा रिसर्च वर्क मैंने अभी अभी शुरू नहीं किया, बल्कि बचपन से ही मेरा पैशन था। दुनिया को हम सभी लोग उसी तरह देखते हैं जैसे हमें दिखाया जाता है, पर रिसर्च करते करते मेरी आंखें खुल गई। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर के पेज 2 और पेज 6 की खबरों को कोरिलेट करना शुरू किया। अगर पेज 2 पर ट्रक हड़ताल की न्यूज छपी है तो पेज 6 पर सब्जियों के दाम बढ़ने की न्यूज, अगर पेज 1 पर सोने के दाम बढ़ने की न्यूज है तो पेज 7 पर ज्वेलरी की बम्पर ऑफर की न्यूज है। अगर किसी दिन बिजनेसमैन की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की बात छपी तो 2 दिन बाद उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात छपती है। इन सब बातों से मेरा खून खौलने लगता है। हम सब कभी बिजनेस पेजेस अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर ध्यान से देखें तो हमें वहीं से क्यों मिलता है कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज क्या है। भोली भाली जनता ये समझती है कि पॉलिसी उनके फेवर में बनाई जा रही है, लेकिन रियलिटी में उसका जनता से कोई लेना देना नहीं। हम कौन से ब्रांड का पानी पिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, मरीज अपना इलाज कहां करवाए, ये सब बातें बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं। ये सारी फ्रस्ट्रेशंस जब किसी के साथ शेयर करता हूं तो लोग मुझे सनकी समझकर मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। आज के हालात में शायद हर नागरिक का भविष्य एक पॉलिटिशियन तय करता है, लेकिन हकीकत में हर पॉलिटिशियन का भविष्य एक बिजनेसमैन तय करता है। ये छोटे छोटे क्राइम्स बिजनेसमैन के लालच का नतीजा है। इन छोटे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, उन्हें सजा दिलाने के लिए डिपार्टमेंट के पास 5,000 का पुलिस फोर्स है, लेकिन इन चंद मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं। मेरा मिशन है कि उन चंद गुनहगारों में से कम एक को तो सजा दिलवा कर रहूं। किंग को मार दिया तो बाकी अपने आप मर जाएंगे। ये वो 15 मास्टरमाइंड्स हैं जो दूसरों से अपना गलत काम करवाकर खुद का दामन पाक रखने का हुनर रखते हैं। इनमें से ये 3 मेन प्लेयर्स हैं जो 80% क्राइम के जिम्मेदार हैं। इन तीनों में से जिस तक पहुंचना नामुमकिन होगा, मैं उसे अपना टारगेट बनाऊंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा, और तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा।